अल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुश आमदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे। और जो पिछली क्लास का हमारा टॉपिक था वो था मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ फीमेल जो है वो हमने स्टडी की थी, पूरी साइकिल हमने स्टडी कर ली थी, लेकिन चूंकि कॉम्प्लिकेटेड साइकिल होती है लिहाजा इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं। और फिर आज का हमारा टॉपिक होगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। तो सबसे पहले जो प्रीवियस क्लास का टॉपिक था मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हमने देखा इसी चैप्टर में कि हमारे पास जो एनिमल बिलखुसूस ह्यूमन जो होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसका मतलब है दो तरह के गैमिट्स होंगे, एक कहलाता है मेल गैमिट, एक कहलाता है फीमेल गैमिट। मेल गैमिट को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमिट को हम ओवा कहते हैं या एग सेल कहते हैं। मेल बॉडी के अंदर मेल गैमिट तैयार होता है, बकायदा एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या हम ये पढ़ चुके हैं, ये रहा जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मेल बॉडी के अंदर होता है, इसका काम होता है जी दो काम होते हैं, पहला स्पर्म्स को तैयार करना और दूसरा फिर स्पर्म्स को डिस्चार्ज करना, बॉडी से बाहर निकालना। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है। इसमें ये होते हैं जी गोनेट्स, दे आर कॉल्ड टेस्टिस। तो मेल गैमिट में ये होते हैं जी टेस्टिस, ये मेल गोनेट्स होते हैं, यहाँ पर जो है वो मेल गैमिट्स बनते हैं। फिर ये पूरा एक सिस्टम है जी, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंशिया, कुछ ग्लैंड होते हैं सेमिनल, वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड, उन सारे ग्लैंड्स की सेक्रेशन के साथ मिलकर टेस्टिस से जो स्पर्म्स बने होते हैं वो सीमन की शक्ल में यहाँ पीनस और यूरिथ्रा और फिर पीनस के जरिए डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो सीमन सीमन डिस्चार्ज होता है जी, और सीमन के अंदर मौजूद होते हैं मेल गैमिट्स, ये हम पढ़ चुके हैं जी। उसके बाद हमने फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास ये जो है जी ओवरीज, दे आर द फीमेल गोनेट्स, यहाँ फीमेल गैमेट तैयार होता है, रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में यहाँ आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फिर यहाँ पर वेजाइना सर्वेक्स के थ्रू जो मेल स्पर्म्स डिस्चार्ज होते हैं, ये मेल स्पर्म्स हैं, वो यहाँ फेलोपियन ट्यूब में आके ओवम को फर्टिलाइज करेंगे, जायगोट तैयार हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो एक जायगोट तैयार हो जाएगा जी। तो याद रखिएगा, एमसीक्यूज में अक्सर ये बात पूछी जाती है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आप जवाब देंगे फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में। तो यहाँ जायगोट तैयार हो जाएगा जी। अब ये जायगोट यहीं पर थोड़ी बहुत जो शुरुआती डेवलपमेंट है वो यहीं स्टार्ट कर देता है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, सिलिवेज कहलाती है, सिलिवेज यहीं पर स्टार्ट हो जाती है और फिर ये फर्दर नीचे आता है और यहाँ पर आकर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। यूट्रस की जो इंटरनल वॉल होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उससे ये अटैच हो जाता है और फिर अब जायगोट यहाँ मौजूद रहेगा और यहाँ पर ये फर्दर डेवलप होके पूरा एक छोटा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जब ऑर्गेनिज्म बन जाएगा तो फिर उसकी बर्थ हो जाती है। तो ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने स्टडी किए थे। फिर यहाँ पर दो मामले होते हैं, अच्छा दो मामले होते हैं जी, वो दो मामलों से पहले मैं एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन पर हमने बात करी कि अगर मेल गैमिट बॉडी से बाहर निकलता है, फीमेल गैमिट भी बॉडी से बाहर निकलता है और एनवायरमेंट में ये जाकर के फर्टिलाइज होकर एनवायरमेंट में जायगोट बनाते हैं, इसको आप कहते हो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको फिशेस वगैरह में मिलेंगी और एम्फीबियंस यानी फ्रॉग वगैरह में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल गैमिट जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा और फीमेल गैमिट फीमेल बॉडी के अंदर ही रहता है और फिर फीमेल बॉडी के अंदर जाकर के जो है वो जायगोट फॉर्म होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। क्योंकि हम ह्यूमन स्टडी कर रहे हैं तो ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। यहाँ आपने देखा कि मेल गैमिट जो है, ये मेल गैमिट था, कहा है ये रहा, ये मेल गैमिट था, तो मेल गैमिट फीमेल बॉडी के अंदर आया, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आके फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हुई है फैलोपियन ट्यूब में, लिहाजा ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर दो मामले हमने डिस्कस किए, दो मामले हमने डिस्कस किए, पहला कि फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है तो क्या होता है और दूसरा फर्टिलाइजेशन हो नहीं, पहले हमने अभी एक ही डिस्कस किया कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होता है और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो क्या होगा, वो भी हम जरा आज डिस्कस करेंगे। लेट मी सी कि हमने वो डिस्कस तो नहीं किया ना, हाँ ठीक है। तो अब दो मामले होते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा सिस्टम के अंदर, पहले जरा मैं इसको थोड़ा सा साफ करूँ। दो मामले होंगे जी फीमेल फीमेल बॉडी का या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ दो मामले होते हैं। पहला मामला होता है जी इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, फीमेल गैमेट जो बना
वो फर्टिलाइज नहीं हो पाया जी मेल गैमेट से, तो क्या होता है? और दूसरा मामला क्या होता है, ए फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन है वो होती है तो क्या मामला होता है, ये वाला मामला हम डिस्कस कर चुके हैं जी। मेंस्ट्रुअल साइकिल यहां से लीड करती है, तो अगर ये ओवरी जो है उसने यहाँ पर एक ओवम बनाया, एक एक्सेल बनाया, एक फीमेल गैमेट बनाया, वो यहाँ आ गया फैलोपियन ट्यूब में, अब ये यहाँ वेट करेगा स्पर्म का, स्पर्म आ जाएगा और आकर के फैलोपियन ट्यूब में आके इस ओवम के साथ मिल जाएगा, तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और यहाँ जायगोट तैयार हो जाएगा, वो हम डिस्कस करेंगे अभी जरा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होता है, तो फिर एक साइकिल स्टार्ट हो जाती है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है जी, इस पर बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ पर मैंने आपको दो तरह की साइकिल बताई थी, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स में साइकिल होती है, एक कहलाती है ऑस्ट्रियस साइकिल, एक कहलाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑस्ट्रियस साइकिल आपको नॉन प्राइमेट में मिलती है जी, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली जितने भी आपको नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें जो साइकिल होगी वो ऑस्ट्रियस साइकिल कहलाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, फीमेल गैमेट जाया हो रहा है, तो फिर जो है वो एक और साइकिल, एक साइकिल शुरू हो जाती है। अब डिपेंड करता है कौन सी फीमेल है, और अगर वो नॉन प्राइमेट है तो उसमें जो साइकिल होगी उसको हम कहेंगे ऑस्ट्रियस साइकिल, और अगर वो प्राइमेट फीमेल है तो उसको हम कहेंगे उस साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्राइमेट जो है वो आपके तमाम जो मैमल्स होते हैं जो जो के पूरा जो बच्चा है वो पैदा करते हैं, उनको हम कहते हैं जैसे गधा घोड़ा बिल्ला बिल्ला बिल्ली सॉरी गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली गाय बकरी, ये सब प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट है सॉरी। और प्राइमेट में बस आप सिंपल सा कर लें जिस, प्राइमेट में सिर्फ दो आते हैं, ह्यूमंस प्राइमेट में आते हैं और बंदर वगैरह जो होते हैं ना मंकी वगैरह वो सब प्राइमेट में आते हैं। तो मंकी और जो ह्यूमंस होते हैं ना इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, बाकी तमाम जो मैमल्स हैं उनमें ऑस्ट्रियस साइकिल होती है। ऑस्ट्रियस साइकिल आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल बता दिया था। ऑस्ट्रियस साइकिल क्या होती है जी, इनका ओवम बनता है फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, ठीक है जी, अच्छा ओवम बनता है और यूट्रस भी डिवेलप होती है, ताकि अगर ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो जाए, जाइगोट हो जाए, तो वो जाइगोट यूट्रस में आके डिवेलप कर सके, डिवेलप करने के लिए यूट्रस जो है वो तैयार करती है अपने आप को। तो जो नॉन प्राइमेट होते हैं उनमें सबसे पहले एक ओवम बनेगा, ओवरी ओवम बनाएगी और वो ओवम जो है वो ओविडक में जाके चला जाता है, इस दौरान यूट्रस भी डिवेलप होगी। यूट्रस डिवेलप का मतलब होता है कि उसकी इंटरनल लाइनिंग जो होती है एंडोमेट्रियम वो बनती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो यूट्रस की जो इंटरनल लाइनिंग है एंडोमेट्रियम वो वापस रीअब्सॉर्ब कर लेगी, बॉडी जाया नहीं करेगी, उसको रीअब्सॉर्ब कर लेगी और जो ओवम है वो रिलीज हो जाएगा, कोई ब्लड फ्लो नहीं होगा, कोई मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा, इस साइकिल को हम कहते हैं ऑस्ट्रियस साइकिल। मैं डायग्राम से अगर आपको समझाऊं, इस डायग्राम से सपोज करें जी ये एक बिल्ली कुत्ता कोई सा भी एक ले लिया, काऊ वगैरह, इनका ये ओवरी है जी, इसने एक ओवम रिलीज किया, ये ओवम जो है वो ओवरी की ये जो फेलोपियन फनल होती है इसके जरिए सक हो जाता है, यहाँ आ जाता है और फिर यहाँ से आके ये फेलोपियन ट्यूब में आके रुक जाएगा, ठीक है जी। ये सबसे पहले ओवम रिलीज हुआ, फिर ये जो फेलोपियन ट्यूब का जो ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं फेलोपियन फनल, उसने इसको सक किया और ये ओविडक में आके अब ये वेट करेगा। इस दौरान ये जो यूट्रस होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, यूट्रस की तीन वॉल्स होती हैं जी, बाहर वाली कहलाती है एपीमेट्रियम, बीच वाली कहलाती है मायोमेट्रियम और तीसरी यानी अंदर वाली एंडोमेट्रियम कहलाती है। ये जो दो होती है एपी और मायोमेट्रियम, ये तो कंटिन्यूसली डिवेलप रहती है, लेकिन जो तीसरी है एंडोमेट्रियम वो सिर्फ ओवम रिलीज होने के साथ बनती है, जैसे ओवम रिलीज होगा ये जो है वो एक अंदर एंडोमेट्रियम डिवेलप हो जाएगी जी, एंडोमेट्रियम डिवेलप। ये क्यों होती है जी, ताकि जायगोट इससे जाके अटैच हो जाता है, इम्प्लांटेशन इससे ज्यादा होती है। अच्छा अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ए फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, तो ये जो ओवम है ये तो रिलीज हो जाएगा, ये जो ओवम है ये तो ये वेजाइना सर्वेक्स के थ्रू रिलीज हो जाएगा और ये जो एंडोमेट्रियम है ये वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएगी बॉडी के अंदर, ये कहलाती है ऑस्ट्रियस साइकिल। और जो दूसरी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि मंकी और इंसानों में होती है, उसमें क्या होता है जी, ओवम रिलीज हुआ, फिलिपियन फनल ने उसको सक किया और वो फिलिपियन ट्यूब में आके स्टे कर गया, इस दौरान जो है वो यूट्रस जो है ये भी बन गई, यूट्रस की जो अंदर वाली वॉल है, चल मैं दोबारा बनाता हूँ, ठीक है जी, ये देखो यूट्रस की जो इंटरनल लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं वो भी डिवेलप हो गई, देखें ये बन गई, अब ये तैयार हो गया जी, ये जायगोट अगर बनता है ना तो यहाँ यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उससे आके जायगोट अटैच हो जाएगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फिर ये जो एंडोमेट्रियम बनी है ना ये टूटेगी,
ब्रेक डाउन होगी जी, ब्रेक डाउन होके इसके सारे जो टिश्यूज हैं वो यहाँ सर्वेक्स और विजाइना के थ्रू ब्लड की शक्ल में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, यानी एंडोमेट्रियम वापस रीएब्सॉर्ब बॉडी में नहीं हो रही बल्कि टूट फूट का शिकार होकर रिलीज हो जाती है। इसी में जो है वो ये गैम्बिया जो ओवम है ना, ये भी रिलीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसको इस ब्लड फ्लो को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो जाता है। इस साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सारा जो एंडोमेट्रियम डिवेलप हुआ था वो टूटेगा और वो झड़ जाएगा, निकल जाएगा खून की शक्ल में, मेंस्ट्रुअल फ्लो की शक्ल में। इसमें जो है वो ओवम भी रिलीज होगा और ये सारा एंडोमेट्रियम कुछ 3-4-5 दिन बाद ये सारा जो एंडोमेट्रियम बना था ये सब टूट टाट के रिलीज हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से ये ओवम भी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गई, सिस्टम जो है स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया। फिर दोबारा ओवम रिलीज होगा, फिर दोबारा जो है वो यहाँ सक कर लिया जाएगा, यहाँ पर रुक जाएगा, फिर दोबारा एंडोमेट्रियम बनेगी, फिर दोबारा फर्टिलाइजेशन हो गई तो ठीक है जी, नहीं हुई तो फिर ये दोबारा एंडोमेट्रियम टूट टूट कर निकलना शुरू हो जाएगा जी, और ये जो ओवम है ये भी इसमें फ्लो हो जाएगा। तो ये मंथली साइकिल होती है, मंथ में एक दफा होती है, 28 दिन में एक दफा होती है, इस साइकिल को हम कह रहे होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जरा हमारे पास डिटेल है, ठीक है, ये साइकिल हम पढ़ चुके हैं लेकिन इसको जरा थोड़ा सा डिटेल में देखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर ह्यूमन एंड द मंकी प्राइमेट्स में। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने आपको बता दो दिया कि ओवरी जो है वो एक ओवम रिलीज करेगी, वो ओवम जो है वो फिलोपियन ट्यूब में जाके स्टे करेगा, इस दौरान यूट्रस डिवेलप करेगी, यूट्रस अपनी इंटरनल वॉल एंडोमेट्रियम बनाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो एंडोमेट्रियम टूटेगी, ब्लड वेसल्स भी होती हैं उस एंडोमेट्रियम के अंदर, जाहिर बात है जब एंडोमेट्रियम टूटेगी तो वो ब्लड वेसल्स भी टूटती हैं, ब्लड फ्लो होता है, तो वो ब्लड, वो जो डैमेज ब्रोकन टिश्यूज हैं और वो जो अनफर्टिलाइज ओवम है, ये तीनों जो है ब्लड की शक्ल में वेजाइना से रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। इसको हम कह रहे होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मंथली साइकिल होती है, मंथ में एक दफा होती है। यहाँ मैंने आपको फिर जो है ओवम का हिसाब किताब बताया, फीमेल ओवम का। देखिए हमने ऊजेनेसिस पढ़ा था, कहा है जी ये रहा, ये हमने ऊजेनेसिस पढ़ा था। ऊजेनेसिस क्या है जी, वो प्रोसेस जिसके जरिए फीमेल ओवरी अपने गैमेट्स बनाती है, फीमेल जो ओवरी होती है जो कि फीमेल गैमेट होता है वो अपने ओवम या एग सेल्स बनाती है। अब इसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास जर्म सेल्स होते हैं ओवरी के अंदर, वो सबसे पहले अपने आप को जो है वो 2-4 दफा मल्टीप्लाई करेंगे बाय माइटोसिस, ओगोनियम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये जो ओगोनियम होता है सबसे पहले ये अपने क्रोमोसोम्स को रेप्लिकेट करता है और ये कहलाता है फिर प्राइमरी ओसाइट। फिर उसके बाद पहली डिवीजन होती है जी, और ये प्राइमरी ओसाइट से हमें 2 सेल्स मिलते हैं, एक कहलाता है सेकेंडरी ओसाइट, एक कहलाता है पोलर बॉडी। उसके बाद ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये भी फर्दर डिवाइड करेगा, एक बनेगा ओवम, एक बनेगा पोलर बॉडी, और ये जो पोलर बॉडी है ये फर्दर डिवाइड होकर 2 पोलर बॉडीज बन जाएंगे। तो आखिर में हमारे पास 1 ओवम और 3 पोलर बॉडीज बनती है। ये पोलर बॉडी साइज में बहुत छोटी होती है, रीजनरेट खत्म हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, सिर्फ ये हमारे पास काम का होता है जी, इसको हम कह रहे हैं फीमेल गैमेट। देखा जाए तो एक ओगोनियम से सिर्फ एक ही गैमेट तैयार होता है, इस पर हम काफी डिटेल में बात कर चुके हैं जब हमने ओजेनेसिस पढ़ा था कि ये पोलर बॉडी क्यों बनी, क्यों सेकेंडरी ओसाइट दो नहीं बने भाई बल्कि एक बना और एक पोलर बॉडी बना, ये मैं इसको आपका इसको रीजन बता चुका हूँ, वीडियो मौजूद है आप चाहे तो देख लीजिएगा। बहरहाल कहने की बात यह है कि यहाँ फीमेल में हम ये देख रहे हैं कि ओजेनेसिस के नतीजे में एक ओगोनियम से खाली एक ओवम बनता है, यानी कि ओवम की तादाद ज्यादा नहीं है। अगर हमारे फीमेल, हमारी फीमेल ओवरी के अंदर 100 ओगोनियम है तो सिर्फ 100 ही तो ओवम बन पाएंगे, 200 ओगोनियम है तो सिर्फ 200 ओवम बन पाएंगे, ओवम की तादाद कम है, ओगोनियम की तादाद कम है और ओगोनियम से चूंकि एक ही। अब मेल के अंदर देखना, ये मेल के अंदर हमने क्या देखा था, ठीक ठाक है, एक एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4-4 बनते हैं जी स्पर्मेटेट, तो यहाँ जरा तादाद ज्यादा होती है, यहाँ कम है, एक बात। दूसरी बात, ये कंटिन्यूअसली नहीं होता। देखें ओवरी जो है, ओवरी के अंदर ओगोनियम होता है और ओगोनियम जो है वो अपने आप को कन्वर्ट करके इसमें ले आती है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी ओसाइट। अभी हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल में इमैच्योर ओवम कहेंगे, इसको इमैच्योर ओवम, ठीक है जी। जहां मैं वर्ड इमैच्योर ओवम यूज करूं समझ लीजिएगा कि वहां पर है जी प्राइमरी ओसाइट। फिर जब ये प्राइमरी, कुछ टाइम तक ये प्राइमरी ओसाइट में ही रहेंगे, ओगोनियम कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को प्राइमरी ओसाइट यानी कि इमैच्योर ओवम बना देगा, और इसी हालत में वो ओवरी में पड़े रहते हैं। हर एक महीने में कुछ प्राइमरी ओसाइट में से ये वाला डिवीजन शुरू होगा, हाँ एक मिनट, ये वाला,
ठीक है जी। और ये कहलाएंगे भी जो सेकेंडरी ओसाइट बनेंगे ना, इनको हम कहेंगे मैच्योर ओवम। और फिर यहां से फिर ये ओवम तैयार होगा, ये तरह गैप में होगा। ठीक है जी, ये मैंने आपको यहां बताया था कहां पर ये। ठीक है जी, तो मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर दूंगा आपके लिए, थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ। देखें, मैंने आपको कहानी ये बताई थी कि हमारे पास जो फीमेल होती है जब ये पैदा होती है, उस टाइम पे इसके पास होती है ओवरी, और उस टाइम पे उसके पास बहुत सारे जर्म सेल्स होते हैं। वो जर्म सेल्स जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, अपने आप को उगोनियम के अंदर, उगोनियम में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर उगोनियम से वो सारे के सारे उगोनियम ओवरी के अंदर हो रहा है। जब एक फीमेल पैदा होती है तो उसकी ओवरी के अंदर जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स कन्वर्ट कर लेते हैं उगोनियम में, और फिर उगोनियम से वो सारे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्राइमरी ऊसाइट में, प्राइमरी ऊसाइट में, जिसको हम इमैच्योर ओवम भी कहते हैं। सारे के सारे उगोनियम कन्वर्ट हो जाएंगे प्राइमरी ऊसाइट में। इनकी तादाद जो बनती है तकरीबन 4 लाख के करीब बनती है, 4 लाख प्राइमरी ऊसाइट होते हैं दोनों ओवरीज के अंदर। इस प्राइमरी ऊसाइट तक स्टेज पहुंचने में औरत की उम्र जो है वो 13 साल हो जाती है, और इसको हम कहते हैं कि ये प्यूबर्टी एयर है या टीनेज है। ये अब रिप्रोडक्शन के एबिलिटी आ जाती है फीमेल के अंदर। तो जब फीमेल पैदा होती है, उसकी जो ओवरीज है, दोनों ओवरीज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, दोनों ओवरीज में होते हैं जी बहुत सारे जर्म सेल्स। वो सारे के सारे जर्म सेल्स जो है वो पहले दूसरे तीसरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, वो सारे जर्म सेल्स कन्वर्ट करेंगे पहले अपने आप को उगोनियम में, और फिर उगोनियम से सारे के सारे जर्म सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे प्राइमरी ओसाइट में। तो अब उनकी ओवरी में सिर्फ प्राइमरी ओसाइट मौजूद है। जब लड़की 13 साल की होती है, जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी या टीनेज, उस टाइम पे फीमेल की दोनों ओवरीज में क्या मिलेगा आपको, सिर्फ प्राइमरी ओसाइट्स। कितने मिलेंगे, 4 लाख। याद रखिएगा ये इमैच्योर ओवम है, सिर्फ आधी डिवीजन हुई है, आधी। अब प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट और पोलर बॉडी बनता है, याद होगा आपको। यहाँ पर जो ये जो एज होती है ना 13 ईयर, प्यूबर्टी एज, इसमें क्या हुआ जी, अब इस लड़की की जो उम्र, लड़की जो है 13 साल की, इसकी ओवरीज के अंदर क्या है मौजूद, प्राइमरी ओसाइट, और कितने, 4 लाख, यानी तकरीबन एक ओवरी में 2 लाख। अब आहिस्ता आहिस्ता हर महीने, इन ईच मंथ या 28 दिन, वैसे मैं यहां मंथ कह रहा हूं लेकिन 28 दिन रखिएगा ध्यान में, इन ईच मंथ हर महीने क्या होता है जी, इन 4 लाख प्राइमरी ओसाइट में से कुछ प्राइमरी ओसाइट, सम प्राइमरी ओसाइट, 400 500 600 प्राइमरी ओसाइट जो है वो सेकेंडरी ओसाइट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि अपना पहला डिवीजन करना शुरू करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ डायग्राम भी बना दूं, ये प्राइमरी ओसाइट है, प्राइमरी। ठीक है जी, अब ये क्या करेंगे जी, वो सेकेंडरी, फर्स्ट डिवीजन करेंगे, एक सेकेंडरी ओसाइट बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगा, ये वाली डिवीजन कुछ करेगा। तब एक ओवरी, हर महीने एक ओवरी है, उसके बाद अगले महीने जो है वो दूसरी ओवरी करेगी, ऐसे ऑल्टरनेट ओवरी करती है। हर महीने क्या होगा, इस 4 लाख प्राइमरी ओसाइट में से सम प्राइमरी ओसाइट अंडर गो मैचुरेशन, सम प्राइमरी ओसाइट अंडर गो मैचुरेशन। मैचुरेशन का मतलब है वही सेकेंडरी ओसाइट कन्वर्ट करने में, अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तब क्या होगा, हर महीने इन 4 लाख, अब सपोज करें जी एक ओवरी ये है एक ओवरी ये है, तो 2 लाख जो है वो यहाँ पर है, 2 लाख वो यहाँ पर है, तो एक महीने जो है वो यहाँ के कुछ प्राइमरी ओसाइट जो है वो सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट मंथ इसकी बारी, फिर अगले महीने इसकी बारी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसे ऑल्टरनेट फैशन में होता है। तो अब एक ओवरी ले लो आप, एक ओवरी में जो प्राइमरी ओसाइट है 2 लाख है, उसमें से 300 400 500 जो है वो प्राइमरी ओसाइट कोशिश करेंगे जी ये वाला प्रोसेस करने की, प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट होने की, लेकिन सिर्फ एक सेकेंडरी में कन्वर्ट हो पाएगा, बाकी सारे जाया हो जाएंगे। तो डेली हर महीने 400 500 प्राइमरी ओसाइट कम होते जाएंगे और सिर्फ एक सेकेंडरी बनता जाएगा। तो हर महीने क्या होगा जी, अराउंड 500 के करीब जो है ना प्राइमरी ओसाइट आया होंगे, प्राइमरी 500 प्राइमरी ओसाइट जो है वो इस काम में अपने आप को मैचुरेशन करने की तरफ जाएंगे। प्रोड्यूस ओनली वन सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट। यहां तक तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो 4 लाख प्राइमरी ओसाइट से हर महीने कुछ प्राइमरी ओसाइट्स ने मैचुरेशन की कोशिश की, तकरीबन 500 प्राइमरी ओसाइट मैचुरेशन की कोशिश करते हैं, बट सिर्फ एक सेकेंडरी ओसाइट बन जाता है। अब वो जो 499 प्राइमरी ओसाइट है जो नहीं हो पाए मैच्योर, वो जाया होंगे, वो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखेंगे।
अब ये जो 1 सेकेंड जो ओसाइड होते हैं ना, इसको हम कह रहे होते हैं असल में फीमेल गैमेट, हालांकि ये फीमेल गैमेट नहीं है, अभी ये एक डिवीजन और करेगा, ये एक डिवीजन और करेगा। अब हर महीने ये जो 1 सेकेंडरी ओसाइड बना है, एक जो सेकेंडरी ओसाइड बना है ना, ये एक ओसाइड ये रिलीज होगा, ये रिलीज होगा और ये पहुंचेगा कहां, फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। अब वहां जाके ये वेट करेगा जी स्पर्म आए, स्पर्म आएगा अगर, इफ स्पर्म, अगर स्पर्म आता है तो फिर ये अपनी दूसरी डिवीजन करेगा जल्दी से। सेकेंडरी ओसाइड जो है ना वही वाली जी, सेकेंडरी ओसाइड है ये, सेकेंडरी ओसाइड है ये, फौरन से एक ओवम बना लेगा और एक पोलर बॉडी बना के जाया कर देगा। ये जो दूसरी डिवीजन है ये है जी, अगर स्पर्म करीब आता है तो होगा, अदरवाइज ये ऐसे ही जाया हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो हर महीने खाली एक सेकेंडरी ओसाइड बन पा रहा है, 1 सेकेंडरी ओसाइड, ये है जी मामला। दोबारा रिपीट करता हूँ, एक फीमेल जब पैदा होती है उसके पास होती है ओवरी, अब मैं जरा पॉइंटर चेंज कर लूँ। हाँ, जब एक फीमेल पैदा होती है उसके पास दो ओवरीज होती हैं जी, दोनों ओवरीज में अच्छे खासे जर्म सेल्स मौजूद होते हैं, वो सारे जर्म सेल्स कन्वर्ट होते हैं ओगोनियम में और फिर वो अपने आप को सारे के सारे प्राइमरी ओसाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। 13 साल की उम्र में फीमेल की जो ओवरीज है उसमें सिर्फ प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं और दोनों ओवरीज में प्राइमरी ओसाइट्स की तादाद होती है 4 लाख। अब क्या होता है जी, हर महीने इन 4 लाख प्राइमरी ओसाइट्स में से कुछ प्राइमरी ओसाइट जो है वो मैचुरेशन की कोशिश करेंगे, बट एक खाली मैच्योर हो पाएगा, यानी हर महीने खाली 1 सेकेंडरी ओसाइट बनता है। वो 1 सेकेंडरी ओसाइट जो है वो रिलीज होगा, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा और वहां जाकर के वेट करेगा, वेट करेगा। अगर स्पर्म उसके करीब आएगा तो वो फौरन से अपनी सेकेंड डिवीजन शुरू करेगा, सेकेंडरी ओसाइट जो है वो एक ओवम बना लेगा और एक पोलर बॉडी बना के जाया कर देगा। अब ये फीमेल गैमेट बन गया और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये सेकेंडरी ओसाइट जाया हो जाएगा। अब देखो ना, आपके पास 4 लाख प्राइमरी ओसाइड है, तकरीबन 500 के करीब जो है वो हर महीने मैचुरेशन की कोशिश कर रहे हैं, 1 सेकेंडरी ओसाइट बन पा रहा है। एक टाइम आएगा ये 500 500 500 500 4 लाख खत्म हो जाएंगे, तो तकरीबन 450 ही सेकेंडरी ओसाइट्स बन पाते हैं फीमेल बॉडी में पूरी लाइफ के अंदर। सेकेंडरी ओसाइट जो एवरेज आती है ना तकरीबन 450 की आती है, यानी 500 पर एक, 1000 पे दो, इस तरह के। तो 500 तो खैर एक रफ बोल रहा हूँ, 500 प्राइमरी ओसाइट में से खाली एक हुआ। अब नेक्स्ट महीने क्या होगा, फिर दोबारा प्राइमरी ओसाइट 500 प्राइमरी ओसाइट मैचुरेशन की कोशिश करेंगे, 1 सेकेंडरी ओसाइट बनता जाएगा। इस हिसाब से कुल टोटल पूरी जिंदगी में सिर्फ 450 सेकेंडरी ओसाइट बनते हैं और प्राइमरी ओसाइट पे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जब प्राइमरी ओसाइट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर अब से ये सारा प्रोसेस रुक जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्शन, सारी एबिलिटी खत्म हो जाती है। उस एज को हम कहते हैं मीनोपॉज, तकरीबन 50 से 52 साल होती है वो मीनोपॉज। क्या है जी, वो तकरीबन 50 या 52 ईयर्स की उम्र में आके ना, जब औरत 52 या 50 साल की होगी तो उसके समझ लें आप सारे प्राइमरी ओसाइट्स खत्म हो चुके होते हैं। तो अब जाहिर बात है प्राइमरी ओसाइट खत्म हो गए तो अब ये सारा साइकिल काम रुक जाता है, तो उसकी मेंस्ट्रुअल फ्लो भी बंद हो जाती है, वो फर्टिलाइजेशन भी नहीं कर सकती, वो मां भी नहीं बन पाती, इनफर्टाइल हो जाती है। तो ये सारी बातें मैंने आपको रिपीट कर दी है, वैसे मैंने यहाँ पर आपको ये सारी बातें बताई, ये सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। चाहे तो इसको फर्दर डिटेल में देखना हो तो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा, बातें वापस उसी तरफ, ये सारी बातें देखें, ये लिखा हुआ मैंने, अब आते हैं उसी तरफ। क्या अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, चले हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास इसके अंदर जो है ना जी, ये पड़े हुए हमारे पास प्राइमरी ओसाइट। अब क्या होगा जी, पहले महीने के अंदर इन प्राइमरी ओसाइट्स में से तकरीबन 400-500 प्राइमरी ओसाइट मैचुरेशन की कोशिश करेंगे और एक ही खाली मैच्योर हो पाएगा, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी ओसाइट। अब वो सेकेंडरी ओसाइट देखें, ये रिलीज हो गया, ये रिलीज होकर यहाँ फेलोपियन ट्यूब में आएगा, फिर यहाँ पहुंच के वेट करेगा जायगोट का, चूंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी ये जाया हो जाएगा, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो हमने देख लिया। तो 4 फेसेस के अंदर हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अब जरा इसको गौर से सुन लीजिएगा, 4 फेसेस होती है हमारे पास, मैं रिपीट ही कर रहा हूँ वैसे तो। पहली फेस कहलाती है मेंस्ट्रुएशन फेस, मेंस्ट्रुएशन फेस, ये आप समझ लें 28 दिन की साइकिल है ना, तो ये आप समझ लें डे 1 से शुरू होती है और डे 6 तक चलती है, डे 1 से लेके डे 6, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन फेज से पहले दिन से और 6 दिन तक ये चलता है। मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है कि वो जो एंडोमेट्रियम, मैंने आपको बताया कि वो जो जायगोट के डेवलपमेंट के लिए एंडोमेट्रियम बनती है वो खत्म हो जाएगी। होता क्या है ये मैं सब मैंने लिख क्यों रहा हूँ, जब मैंने लिखा हुआ है पहले तो ये लिखा हुआ तो हाँ हाँ जी, मैं इसको पॉइंटर चेंज कर देता हूँ।
तो पहला फेस होता है जी मेंस्ट्रुएशन फेस। ये फेस स्टार्ट होगा डे वन से और डे फाइव तक चलता है। इस दौरान क्या होता है कि ये जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम बनी थी ना, ये टूटेगी। अब ये टूटती कैसे, असल में एक, अभी आप देखोगे नीचे एक फेस में एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और उस स्ट्रक्चर का काम क्या होता है जी, इस हार्मोन को रिलीज करना। कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और उसका काम होता है प्रोगेस्टेरोन को रिलीज करना, और प्रोगेस्टेरोन ही इस एंडोमेट्रियम को बना रहा होता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोगेस्टेरोन रिलीज करता है और प्रोगेस्टेरोन की वजह से ही एंडोमेट्रियम बन रही होती है। तो मेंस्ट्रुअल फेस में क्या होता है जी, ये जो तो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोगेस्टेरोन बनाना बंद कर देता है, प्रोगेस्टेरोन रिलीज होना बंद हो जाता है, जिससे क्या होगा जी, एंडोमेट्रियम भी अब बनना बंद हो जाएगी और वो टूट फूट का शिकार हो जाएगी, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो कॉर्पस लिथियम की वजह से ये बन रहा था, कॉर्पस लिथियम ने अपना हार्मोन देना बंद कर दिया, एंडोमेट्रियम भी डिवेलप होना बंद हो गई और ये टूट गई। अब जब ये टूटेगी तो इसके जो ब्रेक डाउन टिश्यूज होंगे, इसके जो टिश्यूज निकलेंगे, म्यूकस होगा, वो जो ओवम है जो फर्टिलाइज नहीं हुआ, फिर जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे ब्लड फ्लो होगा, ये सारा कुछ जो है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिवली मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये वेजाइना के थ्रू रिलीज होना शुरू हो जाता है। डे वन से ये स्टार्ट होगा और फिर 5वें दिन तक ये सारा ब्लड फ्लो होता रहेगा, उस वक्त तक जब तक के सारे एंडोमेट्रियम के तमाम ब्रोकन टिश्यूज रिलीज ना हो जाए और एंडोमेट्रियम खत्म हो जाए, यूट्रस ओवरी सब अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाती है। यानी कि अब ओवरी है लेकिन फिलोपियन ट्यूब में कोई ओवम नहीं है, और यूट्रस है लेकिन उसकी एंडोमेट्रियम नहीं बनी हुई, इस हालत में आ जाएगी। ये है जी मेंस्ट्रुएशन फेज। क्या हुआ, कॉर्पस लिथियम ने प्रोगेस्टेरोन रिलीज करना बंद कर दिया जिससे एंडोमेट्रियम टूटी, एंडोमेट्रियम टूटने से जितना भी मेंस्ट्रुअल फ्लो था वो निकलना शुरू हुआ, 5 दिन तक ये मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, उसके बाद ये ब्लड फ्लो रुक जाता है। अब जैसे ये ब्लड फ्लो रुकेगा तो इस वक्त क्या हालत हो जाएगी जी, एंडोमेट्रियम खत्म हो चुकी है, यूट्रस की सिर्फ 2 लाइनिंग्स हैं, एक्टिमेट्रियम और मायोमेट्रियम, तीसरी लाइनिंग नहीं है। इसी तरह ओवरी अब दोबारा एक नया सेकेंडरी ओसाइट बनाएगी, वही प्राइमरी ओसाइट लेगी, उनको मैचुरेशन की कोशिश करेगी और एक सेकेंडरी ओसाइट बन जाएगा, और ओविडक में कोई ओवम नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा फेज शुरू होता है, इसको हम कहते हैं फॉलिसल फेज। ये जरा लंबा होता है जी, 6वें दिन से स्टार्ट होगा, यानी जब ब्लड फ्लो बंद हो जाता है उसके नेक्स्ट डे से ये स्टार्ट हो जाएगा, डे 6 से, और तकरीबन 6 दिन का होता है ये फेज और 12 तारीख तक चलता है, 12वें दिन तक चलता है। तो डे 6 से डे 12 तक फॉलिसल फेज चलता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले अब याद रखिएगा जी, बिल्कुल यूट्रस खत्म हो चुकी है, यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग जो ना एंडोमेट्रियम खत्म हो चुकी है, ओवम भी नहीं है। तो होता क्या है, सबसे पहले दिमाग में मौजूद जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन को हम कहते हैं फॉलिसल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, FSH। ये हार्मोन ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके हमारी ओवरी तक आता है और ओवरी में आके ये ऊजेनेसिस शुरू करवा देगा, ऊजेनेसिस यानी कि वही प्राइमरी ओसाइट मैच्योर कराना शुरू कर देगा। ये हार्मोन है जो वो मैच्योरेशन शुरू कराता है, फॉलिसल्स कहते हैं असल में, ये जो हमारे पास प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं ये एक टिश्यू के अंदर, एक सेल के अंदर स्टोर हुए हुए होते हैं टिश्यूज के अंदर नरिशमेंट के लिए, तो उस स्ट्रक्चर को हम कह रहे होते हैं फॉलिसल। ठीक है, ये प्राइमरी ओसाइट्स ही, बस वो एक स्ट्रक्चर में इंक्लोज हुए हैं। तो अब ये जो हार्मोन है फॉलिसाइल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होता है, ब्लड के जरिए ये आता है ओवरी में, और यहाँ पर आकर अब ये ऊजेनेसिस का ना वो पहला पार्ट शुरू कर देगा, यानी प्राइमरी ओसाइट 400-500 प्राइमरी ओसाइट जो है ना वो इस हार्मोन की मदद से मैच्योर होने की कोशिश शुरू कर देंगे। वो कोशिश करेंगे कि वो प्राइमरी से सेकेंडरी ओसाइट बन जाए, एक पोलर बॉडी बन जाए और एक सेकेंडरी ओसाइट, बस एक होगा, ये याद बता चुका हूँ मैं आपको। तब वो ऊजेनेसिस शुरू हो जाएगा जिन फॉलिसल्स के अंदर, बट ओनली वन फॉलिसल जो है वो ही बस मैच्योर हो पाएगा, और उस मैच्योर फॉलिसल को हम कहते हैं ग्रेफाइन फॉलिसल। तो ये है जी, मैंने 400-500 ये देखें, एक एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा है, ये बहुत सारे इन्होंने स्टार्ट किया, बट एक जो है बस वो मैच्योर होगा, ग्रेफाइन फॉलिसल कहलाता है, ये मैं आपको सब अभी बता चुका। तो इस हार्मोन ने मैचुरेशन ऑफ प्राइमरी ओसाइट स्टार्ट की, 400-500 के करीब प्राइमरी ओसाइट इसमें हिस्सा लिए, सिर्फ एक यानी कि ग्रेफाइन फॉलिसल वो मैच्योर हुआ, उसके अंदर जो है वो आपके पास अब सेकेंडरी ओसाइट मिलेगा, बाकी सारे जाया हो जाएंगे। तो बाकी सारे जो कि मैच्योर नहीं हो पाए वो फॉलिसल्स डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे, उनके डीजनरेट होने से एक हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा ओवरी में, एस्ट्रोजिन कहलाता है। अब ये जो एस्ट्रोजिन है ये क्या करेगा, ब्लड के थ्रू सबसे पहले ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड ने इस हार्मोन को जैसे रिसीव किया, वो अब वो जो हार्मोन बना रहा था ना फॉलिसाइल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, उसका रिलीज बंद कर देगा।
आप जरूरत ही नहीं है ना, आप फॉलिसल्स को क्यों मैच्योर कराएंगे, वो तो हो चुका है। लिहाजा ये एस्ट्रोजिन जाके पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH की सेक्रेशन बंद करा देगा, ठीक है जी। और दूसरा काम ये क्या करता है एस्ट्रोजिन, ये यूट्रस को जाके उसमें एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट स्टार्ट करा देगा, करेगा तो वही प्रोगेस्टेरोन, लेकिन ये स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जब बहुत ज्यादा एस्ट्रोजिन लेवल हमारे खून में हो जाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड अब अपना दूसरा हार्मोन रिलीज करेगा, उसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये है जी आपका दूसरा फेज, फॉलिसल फेज, काफी हार्मोनल फेस रहा है ये। क्या होता है इसके अंदर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं फॉलिसाइल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन ब्लड के जरिए ओवरी में आता है और जैसे ही ओवरी को ये हार्मोन मिलता है तो उसके जो प्राइमरी फॉलिसल्स होते हैं, प्राइमरी ओसाइड वाले जो फॉलिसल्स होते हैं, वो मैच्योर होना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही मैच्योर हो पाता है जिसके अंदर सेकेंडरी ओसाइड मौजूद होगा और उसको हम कहते हैं ग्रेफाइन फॉलिसल, और बाकी सारे जो मैच्योर नहीं हो पाए वो डीजनरेट हो जाते हैं। जब वो डीजनरेट होंगे तो अब ओवरी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजिन। एस्ट्रोजिन दो काम करेगा, पहला काम एस्ट्रोजिन पिट्यूटरी ग्लैंड को जाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा फॉलिसाइल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन बंद कर, पिट्यूटरी ग्लैंड FSH को रिलीज करना बंद कर देगा। और दूसरा काम एस्ट्रोजिन यूट्रस में जाएगा और यूट्रस को प्रिपेयर कर देगा जी कि तुमने अपनी एंडोमेट्रियम तैयार करनी है, रेडी रहो, एंडोमेट्रियम बनानी है। तो यूट्रस भी अपने आप को एंडोमेट्रियम डेवलप करने के लिए वो रेडी हो जाता है। अब आखिर में क्या होता है जी, जब बहुत ज्यादा लेवल हमारा एस्ट्रोजिन का, जो हमारे ब्लड में लेवल बहुत ज्यादा जब बढ़ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड देखेगा हद से ज्यादा एस्ट्रोजिन हो गया, तो फौरन पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लेकिन इसका काम तीसरी फेज में होता है। अब तीसरी फेज कहलाती है ओव्यूलेशन। तीसरी फेज छोटी सी फेज होती है, 13वें दिन से ये स्टार्ट होता है जी, जैसे ही ये रिलीज होना शुरू हो जाएगा ना LH, तब से ये स्टार्ट होता है और 15वें दिन यानी बस 2 दिन का होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड ने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज किया है, ये हार्मोन ट्रेवल करके ओवरी में आएगा और जैसे ही ग्रेफाइन फॉलिसल को ये हार्मोन मिलेगा, ग्रेफाइन फॉलिसल अपने अंदर जो मौजूद सेकेंडरी ओसाइड है उसको रिलीज कर देगा। ये देखिए ये आपके पास ग्रेफाइन फॉलिसल है और ये उसके अंदर है सेकेंडरी ओसाइड। जैसे इसको LH मिला, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसने अपना ये जो अपना जो ओवम है उसको ओवरी से बाहर निकाल दिया और ये खुद खाली रह गया। अब ये जो खाली है ना, ये कुछ और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, वो हम बात करते हैं अभी। उसके बाद ये जो ओवम रिलीज हुआ है, इसका मैं आपको मामला पहले बता चुका हूँ कि ये जो है फिर वो ओविडक का जो मुंह होता है जिसको हम कहते हैं ओविडक फनल, वो इस ओवम को सक कर लेगी और ये ओविडक तक पहुंच जाएगा। अब ये ओवम जो है वो वेट करेगा कि स्पर्म आए और ये फर्टिलाइज हो जाए। अगर फर्टिलाइज नहीं हो पाए तो फिर कुछ और काम होगा, वो भी वही पढ़ना है। तो ये तीसरा फेस हो गया ओव्यूलेशन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या किया, ग्रेफाइन फॉलिसल को ट्रिगर किया कि वो अपने अंदर जो मैच्योर ओवम है उसको रिलीज कर दे। सो ग्रेफाइन फॉलिसल ने अपना मैच्योर ओवम रिलीज कर दिया और वो ओवम चला गया ओविडक में। और अब ये जो खाली ग्रेफाइन फॉलिसल है, ये अब आता है चौथे फेज में जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम फेज। ये चलेगा जी डे 16 से लेकर के डे 28 तक, क्योंकि ये लंबा फेज है क्योंकि इसमें यूट्रस डिवेलप होती है। ये लंबा फेस है तकरीबन 8 और 4 12 दिन का, इसमें यूट्रस डिवेलप होनी है। अब वो जो खाली ग्रेफाइन फॉलिसल हमारे पास रह गया था ना, एम्प्टी ग्रेफाइन फॉलिसल, अब वो डिवेलप होगा एक पीले कलर के स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं कॉर्पस लीथियम। ये था एंडो, ये था ग्रेफाइन फॉलिसल एम्प्टी और ये बन गया जी कॉर्पस लीथियम, येलो कलर का होता है जी। और ये कॉर्पस लीथियम क्या करता है जी, ये हमने पहले फेस में पढ़ा है। कॉर्पस लीथियम एक हॉर्मोन बनाता है जिसको हम कहते हैं प्रोगेस्टेरोन, ओवरी का दूसरा हॉर्मोन। ये प्रोगेस्टेरोन यूट्रस को डिवेलप करवाएगा, ये रिलीज होता रहेगा, यूट्रस डिवेलप होती रहेगी। जहां इसका रिलीज बंद हो गया, यूट्रस जो है वो टूटने का शिकार हो जाती है। तो ये वही कॉर्पस लीटियम है जो यूट्रस बनाना शुरू करेगा। तो वो जो खाली, ये चौथा फेस हो गया कॉर्पस लीटियम। तो खाली एंड ग्रेफाइन फॉलिसल जो है वो अपने आप को कन्वर्ट करता है कॉर्पस ल्यूटियम में और फिर ये रिलीज होता है प्रोगेस्टेरोन। अब प्रोगेस्टेरोन रिलीज होगा जैसे ओवरी यूट्रस को मिलेगा, यूट्रस जो है अपनी इंटरनल वॉल बनाना शुरू कर देगी, एंडोमेट्रियम 28 तारीख तक वो एंडोमेट्रियम बनाएगी। अब 28वें दिन क्या होता है जी, क्या वो ओवम ने जो है वो देखा काफी वक्त हो गया जी स्पर्म नहीं आया, ओवम जो है वो डीजनरेट हो जाएगा, ओवम खत्म हो जाएगा। अब जब ओवम खत्म हो जाएगा ना, तो अब पहला फेस वापस शुरू हो जाएगा क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो गई। अब दोबारा जब साइकिल में क्या होता है, जब आखिरी फेस आता है तो फिर दोबारा से पहला फेस शुरू हो जाता है। तो ये लास्ट फेज था, जैसे ही ये खत्म होगा जी,
तो फिर वापस ये वाला फेज शुरू हो जाएगा। अब जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो फौरन क्या होगा जी, मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाएगा, नई साइकिल शुरू हो जाएगी, कॉर्पस लीथियम प्रोगेस्टेरोन बनाना बंद कर देगा, जो एंडोमेट्रियम बनी थी वो ब्रेक होगी, ओवम और ये सारी एंडोमेट्रियम रिलीज हो जाएगी, फिर यही दोबारा पूरा प्रोसीजर रिपीट होता जाएगा, यही चलता जाएगा, यही चलता जाएगा, हर महीने ये होता रहेगा, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकल फेज, ओव्यूलेशन फेज, कॉर्पस लीथियम फेज, फिर दोबारा मेंस्ट्रुअल फेज, 28 दिन का ये टाइम होता है। और इसमें क्या होता है जी, एक ओवम रिलीज हो रहा है जी, इससे क्या होता है जी, ओवम भी मेंटेन रहता है, जो यूट्रस जो है वो भी बार बार फ्रेश बनता है। ये केस था जी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, याद है हमने क्या कहा था, इफ फर्टिलाइजेशन डस नॉट अकर। अब कल की क्लास में हम ये देखेंगे इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, अभी ये जो ओवरी ने निकाला, ये जो हमारे पास ओवम निकला था अभी ओव्यूलेशन फेज में, जो फैलोपियन ट्यूब में आया था, अगर यहाँ इसको स्पर्म मिल जाता है जी और फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर क्या होता है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, फिर क्या मामला होता है वो मैं इंशाल्लाह आपको कल की क्लास में बताऊंगा। तो ये तो था आज का हमारा तकरीबन रिपीट करने वाला टॉपिक, ठीक है जी।